अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एंड्रॉयड लेआउट्स क्या होते हैं और हम किस तरह से एक अच्छा लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं और एक लेआउट के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस लेक्चर में क्या कुछ कवर करेंगे। तो लेआउट्स और लाइफ साइकिल की बात ही इस लेक्चर में हम करेंगे बेसिकली। तो सबसे मेन चीज़ जो एंड्रॉयड के अंदर है लेआउट के अंदर, वो बेसिकली एक एक्टिविटी होती है, उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद हम व्यू ग्रुप्स और व्यू को देख लेंगे कि व्यू ग्रुप्स और व्यूज़ क्या होते हैं। फिर हम देख लेंगे कि हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स हैं, उसमें लीनियर लेआउट काफ़ी पॉपुलर है, तो लीनियर लेआउट क्या होता है, इसमें इसको हम यूज़ करते हुए कैसे एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। और दूसरा जो पॉपुलर लेआउट है वो हमारे पास रिलेटिव लेआउट है, तो रिलेटिव लेआउट को किस तरह से हम देखेंगे कि हम इसमें क्या कुछ चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो पॉपुलर लेआउट है हमारे पास वो है रिलेटिव लेआउट, तो हम रिलेटिव लेआउट को भी देख लेंगे कि इसमें हम क्या कुछ चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हम आखिर में देख लेंगे कि हम एक ड्रॉअर लेआउट किस तरह से बनाते हैं, जो बेसिकली आपको मैं दिखाऊंगा कि एक ड्रॉअर लेआउट होता क्या है और उसको हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिविटी की। तो एक्टिविटी बेसिकली एक सिंपल से वर्ड्स में आपको मैं अगर बताऊं तो हमारे पास जो स्क्रीन्स होती हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जितनी भी, वो सब की सब एक्टिविटीज़ होती हैं। तो एक सिंगल स्क्रीन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारी एक्टिविटी इंटरफेस को, जो भी आपके एक विंडो और फ्रेम में आ रही होती है। एक्टिविटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंड्रॉयड एप्लीकेशन का, और इसके बगैर एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनना नामुमकिन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन में है वो एक एक्टिविटी ही होती है। जिस तरह कि आप देखते हैं, अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग की हो सी या सी प्लस प्लस की, तो उसमें एक मेन का फंक्शन होता है जिसका होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपकी जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है। उसी तरह एक्टिविटी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आपके एंड्रॉयड का, और इसके इसी से आपकी जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होती है, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल की। तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल से मुराद है कि आपकी जो एक्टिविटी है जब आपके सामने वो आती है, तो उससे पहले और उसके बाद वो किस किस मेथड्स या किस किस लाइफ साइकिल से होकर गुजरती है। तो ये एक छोटी सी डायग्राम है, अगर इसको आप बगौर समझ लें तो इंशाल्लाह आपको लाइफ साइकिल के बारे में अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपकी एक्टिविटी है वो सिंपली एक एक्टिविटी लॉन्च होती है, जिस तरह कि आपको एक स्क्रीन है वो आपकी स्क्रीन एक लॉन्च हुई। जैसे आपकी एक्टिविटी लॉन्च होती है, उसके फौरन बाद जो मेथड कॉल होता है वो है ऑन क्रिएट का। ये मेथड्स हम देखेंगे अपनी जब हम डेवलपमेंट कर रहे होंगे, तो आपको ये मेथड्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और इन मेथड्स में काफ़ी किस्म की आप लोग हैंडलिंग करेंगे। तो इस लाइफ साइकिल को बताने का मकसद भी यही है कि आप लोग फेमिलियर हो जाएं कि आपका कौन सा मेथड एक्टिविटी के किस टाइम पे कॉल हो रहा होगा, ताकि आपको कुछ काम वहाँ पे करने पड़ेंगे। तो एक्टिविटी के लॉन्च होने के बाद जो मेथड हिट होता है वो बेसिकली ऑन क्रिएट का मेथड है। जैसे ऑन क्रिएट सक्सेसफुली कॉल हो जाता है, उसके बाद आपका ऑन स्टार्ट कॉल होता है, फिर ऑन रिज्यूम कॉल होता है, और ऑन रिज्यूम के फौरन बाद जो है वो आपकी एक्टिविटी जो है वो रनिंग फॉर्म में आ जाती है, और आपकी एक्टिविटी जो है वो यूज़र को डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है, यानी कि आपका जो पेज है वो डिस्प्ले हो चुका होता है उस वक्त तक। अगर आपकी एक्टिविटी के सामने कोई और चीज़ या कोई और एक्टिविटी या कोई और स्क्रीन आ जाए, तो ये वाली जो आपकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी ए जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बेसिकली बैकग्राउंड पे चली जाती है और दूसरी वाली एक्टिविटी उसके सामने आ जाती है। तो इस वाली एक्टिविटी का जो मेथड है वो ऑन पॉज कॉल हो जाता है, ठीक है। ऑन पॉज कॉल होने के बाद जब आपकी ये वाली एक्टिविटी विजिबिलिटी से हट के दूसरी वाली एक्टिविटी सामने आ जाती है, तो हमारे पास ऑन स्टॉप मेथड उसका कॉल हो चुका होता है कि अब आपकी जो ए एक्टिविटी है ये अब ऑन स्टॉप पे चली गई है।
अगर आपका सिस्टम या आप इस एक्टिविटी को फिनिश कर देंगे तो उसके बाद ये एक्टिविटी का जो है वो ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो चुका होगा। तो ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कब कॉल होता है? जब आपकी ये जो एक्टिविटी है ये फिनिश हो चुकी है या इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है सिस्टम की तरफ से, तो आपका ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो जाएगा और आपकी एक्टिविटी जो है वो शट डाउन हो जाएगी। इसके बाद आपकी एक्टिविटी अवेलेबल नहीं होगी। इसके कुछ अराउंड और भी मेथड्स हिट होते हैं। ये किस तरह के मेथड्स हैं इसको भी हम देख लेते हैं। इन केस अगर आप ऑन पॉज स्टेट पे थे और आपकी एक्टिविटी दोबारा सामने आ गई, तो आपका जो मेथड है वो कॉल होगा ऑन रिज्यूम और दोबारा आपकी एक्टिविटी जो है वो यूज़र को विजिबल हो जाएगी। इसी तरह अगर आप ऑन स्टॉप स्टेज पे पहुंच चुके थे और उसके बाद आपकी एक्टिविटी पे दोबारा आया यूज़र, तो फिर क्या होगा कि आपकी एक्टिविटी का ऑन रीस्टार्ट कॉल होगा और रीस्टार्ट के बाद ऑन स्टार्ट, उसके बाद वैसे ही ऑन रिज्यूम और आपकी एक्टिविटी दोबारा रनिंग फॉर्म में आ जाएगी। इसी तरह अगर आपकी ऐप जो है उससे हायर प्रायोरिटी की कोई ऐप मेमोरी में लोड हो जाती है, तो फिर आपकी ऐप जो है उसको किल कर दिया जाएगा, उसके सारे प्रोसेसेस जो है उसको किल किया जाएगा और दोबारा से आपकी ऑन क्रिएट कॉल होके उसी तरह से ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम और एक्टिविटी दोबारा से रनिंग फॉर्म में आ जाएगी। तो ये एक छोटा सा आपको एक ओवरव्यू दिया है एक एक्टिविटी के लाइफ साइकिल का। तो इसको आपने जहन में रखना है, जब हम डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो हमें ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं ये देखने को मिलेंगे। तो इन मेथड्स के अंदर हम काफ़ी कुछ करवा सकते हैं। आप एक एक्टिविटी क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको जो मेनली ज़रूरत पड़ती है उस एक्टिविटी को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत पड़ती है मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। मैनिफेस्ट फाइल क्या होती है? वो बेसिकली एक कह लें आपकी रजिस्ट्री की फाइल है। ये अलग से एक मेंटेन हो रही होती है। इस फाइल को भी हम देखेंगे। तो इसमें हो क्या रहा होता है कि जो भी आप एक्टिविटीज़ बना रहे होते हैं वो एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे आके रजिस्टर करेंगे। लाइक जिस तरह से मैंने एक एक्टिविटी बना ली एग्जाम्पल एक्टिविटी के नाम से, तो मैंने उसको एप्लीकेशन के टैग के अंदर एक्टिविटी का टैग क्रिएट करके एक नेम दे दिया कि मैंने एग्जाम्पल एक्टिविटी क्रिएट कर दी। तो हर एक्टिविटी की रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो उसकी रजिस्ट्रेशन हम कहाँ पे करेंगे? मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। तो मैनिफेस्ट फाइल क्या है, इसमें और क्या कुछ हम रजिस्टर करते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, ये हम फ्यूचर में देखेंगे। आइए फिर हम एक एक्टिविटी को अपनी एप्लीकेशन में रजिस्टर करके चेक करते हैं कि हमारी एक एक्टिविटी हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो टूल की तरफ। जी, तो अब हम आ चुके हैं अपनी वही एप्लीकेशन की तरफ जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी, जिसमें हम सिंपल सा हमने एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा था। तो उसी में हम थोड़ा सा और एक्सटेंशन करके और अब हम अपनी जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। तो एक्टिविटी क्रिएट करने का एक सिंपल तरीका है जो एंड्रॉयड स्टूडियो हमें देता है, बेसिकली जो इसका एक शॉर्टकट वे भी है। तो वो क्या है? वो बेसिकली आपने सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद न्यू में जाना है। न्यू में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही होंगी कि आप क्या कुछ न्यू क्रिएट कर सकते हैं। आप जावा क्लास न्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें आप देख लें कि आपके पास एक्टिविटी का एक सेक्शन बना हुआ है कि आप न्यू एक्टिविटी क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो न्यू एक्टिविटी के सेक्शन में जाएंगे। अब आप जाके वहाँ से आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम की एप्लीकेशन के स्टार्ट में देखा था कि जब आप एंड्रॉयड की एक्टिविटी क्रिएट कर रहे थे तो वो आपसे पूछा था कि आप कौन सी एक्टिविटी क्रिएट करना चाह रहे हैं, बेसिक एक्टिविटी, बॉटम नेविगेशन जिसके साथ हो वो वाली एक्टिविटी, या सिंपल एम्प्टी एक्टिविटी। इसके अलावा बेतहाशा ऑप्शन अवेलेबल थे, वो सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो हमें बेसिकली अभी जस्ट एक एक्टिविटी क्रिएट करनी है जो सिर्फ एम्प्टी हो, तो एक हम एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं। अब उस एम्प्टी एक्टिविटी का ही हमसे नाम पूछ रहा है कि हम इसका नाम क्या रखेंगे। तो हम एक्टिविटी को छोड़ के इसके पीछे नाम चेंज कर सकते हैं, जो आपका दिल हो आप वो नाम रख सकते हैं। तो हम इसका नाम रख लेते हैं टेस्ट एक्टिविटी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीचे लेआउट नेम के अंदर ऑटोमेटिकली उसने एक्टिविटी अंडरस्कोर टेस्ट के नाम से एक जनरेट लेआउट फाइल कर दी है। ठीक हो गया, तो हम इसको फिनिश कर देंगे। अब फिनिश करने पे आपके पास ये दोनों फाइल्स ओपन हो चुकी हैं, जावा वाली भी और उसकी एक्सएमएल यानी कि उसका लेआउट की फाइल भी। तो ये एक सिंपल तरीका था एक्टिविटी को क्रिएट करने का। और इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट में बताया कि आपने मैनिफेस्ट में इसकी रजिस्ट्रेशन करनी होती है, तो
ये जो शॉर्टकट हमें एंड्रॉयड स्टूडियो ने दिया, ये ऑटोमेटिकली अगर आप इस तरीके से एक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो एंड्रॉयड स्टूडियो ख़ुद से मैनिफेस्ट की फ़ाइल के अंदर कर देगा। तो हम वो देख लेते हैं कि मैनिफेस्ट में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है कि नहीं। तो ये मैनिफेस्ट की फ़ाइल है। मैनिफेस्ट भी बेसिकली जो है वो एक्सएमएल बेस्ड फाइल बनती है, तो एक्सएमएल के टैग्स ही होते हैं इसमें। सबसे ऊपर मेन पे इसका एक एप्लीकेशन का टैग होता है। एप्लीकेशन के टैग के अंदर सब एक्टिविटीज़ और इसके अलावा परमिशंस और इसके अलावा आपके पास डिफरेंट सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट, ये सब कुछ हम बाद में देखेंगे। तो वो सब कुछ, सब का सब जो है वो यहाँ पे रजिस्टर होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एक्टिविटी जो हमारी पहले बनी थी वो है एक्टिविटी मेन। मेन एक्टिविटी इसने पहले रजिस्टर कर दी यहाँ पे, उसको इसने लॉन्चर एक्टिविटी डिक्लेयर कर दिया। तो ये कभी भी आप ने अपनी एप्लीकेशन का कुछ स्टार्टिंग पॉइंट बताना है। लाइक अगर जिस तरह के भी आप देख रहे हैं कि हमारी एक्टिविटी में आप देख रहे हैं जैसा कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर दो एक्टिविटीज़ क्रिएट हो चुकी हैं, तो दोनों में से आपकी जो एप्लीकेशन लॉन्च होने पे सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी रन हो, तो उसके अंदर आपको फिल्टर ऐड करना पड़ता है कि ये मेरा लॉन्चर क्या कहते हैं एक्टिविटी है। तो यानी कि जैसे आपकी ऐप लॉन्च होगी तो सबसे पहली एक्टिविटी जो ओपन होगी वो है मेन एक्टिविटी, जिसमें हमारा हेलो वर्ल्ड का टैग था। और दूसरी जो हमने एक्टिविटी ऐड की है उसका ऑटोमेटिकली इसने एक टैग ऐड कर दिया है एप्लीकेशन के अंदर ही, एप्लीकेशन के टैग के अंदर ही टेस्ट एक्टिविटी के नाम से जो हमने उसका नाम रखा था। तो यहाँ पे इस तरह से ही ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट के अंदर एक्टिविटी की रजिस्ट्रेशन कर देता है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं एंड्रॉयड व्यूज़ की, कि एंड्रॉयड के व्यूज़ क्या होते हैं बेसिकली। तो जितने भी यूआई कंपोनेंट्स हैं एंड्रॉयड के, उसकी जो बेस क्लास है वो होती है व्यू क्लास। तो जिस तरह कि हम अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको जब हम हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बना रहे थे तो उसके अंदर हमने देखा था कि एक टेक्स्ट व्यू ऐड हुआ हुआ था जो कि जिसके अंदर हमने टेक्स्ट सेट किया था हेलो वर्ल्ड। तो वो टेक्स्ट व्यू जो है वो बेसिकली इसी क्लास से बिलोंग करता है। जिस तरह से वो टेक्स्ट व्यू था उसी तरह से एडिट टेक्स्ट और दीगर भी इनपुट के जितने भी इसमें कंपोनेंट्स हैं और इसके अलावा भी जितने भी इसमें हमारे पास विजिट्स आते हैं, वो सब के सब जो हैं वो व्यू क्लास से बिलोंग करते हैं। उसकी कुछ कॉमन आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी सब क्लासेस हैं व्यू की जो हम मेनली यूज़ भी करेंगे। तो उसमें आप देख सकते हैं नीचे टेक्स्ट व्यूज़ हैं, जो बेसिकली वो हमने एक लेबल सेट किया था हेलो वर्ल्ड का, तो वो लेबल सारे टेक्स्ट व्यूज़ होते हैं। एडिट टेक्स्ट में हम बेसिकली इनपुट दे सकते हैं किसी भी चीज़ की, कि लाइक आप कोई भी पासवर्ड की फील्ड बनाना चाह रहे हैं, कोई यूज़र नेम की फील्ड बनाना चाह रहे हैं, तो वो एडिट टेक्स्ट के अंदर आती है। इसी तरह आप बटन चेक बॉक्स, जो चेक बॉक्स होते हैं जिसपे टिक कर सकते हैं आप, वो भी यहाँ पे होते हैं। रेडियो बटन भी व्यू क्लास से बिलोंग करता है। इसी तरह से इमेज बटन, प्रोग्रेस बार, स्पिनर, ये हम सब अभी एंड्रॉयड स्टूडियो पे आपको दिखा देते हैं। आप जाएंगे डिज़ाइन के अंदर, तो डिज़ाइन में जैसे आप जाएंगे तो ये सामने आपके पास एक सिंपल डिज़ाइन व्यू खुल गया। और डिज़ाइन व्यू के साथ ही बिल्कुल ये सब के सब जो आ रहे हैं ये सारे के सारे व्यू क्लास के, व्यू इनकी बेस क्लास है। ठीक हो गया जी। इसमें इमेज व्यू और आपका बटन्स आ जाते हैं, टेक्स्ट व्यूज़ आ जाते हैं, विजिट्स इसके अलावा भी हैं, लेआउट्स जो हैं वो हम आपको बताएंगे कि वो बेसिकली व्यू ग्रुप का पार्ट है। तो ये जो थे विजिट्स, बटन्स, टेक्स्ट व्यूज़, ये इनमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो व्यू इसकी बेस क्लास है। अब हम बात कर लेते हैं एंड्रॉयड व्यू ग्रुप्स की। तो व्यू ग्रुप्स क्या होते हैं? व्यू ग्रुप भी बेसिकली एक सब क्लास ही है व्यू की, लेकिन इसमें मोस्टली आपके लेआउट्स आ जाते हैं और उसके कुछ लेआउट्स के पैरामीटर्स आ जाते हैं। जिस तरह कि हमने देखा कि जो कुछ लेआउट्स मैंने आपको दिखाए थे, लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट, ये सब के सब जो हैं ये व्यू ग्रुप की क्लास से बिलोंग करते हैं। इसमें से कॉमनली जो यूज़ होते हैं हमारे पास, वो उसमें देख लें आपके लीनियर लेआउट आ गया, रिलेटिव लेआउट आ गया, टेबल फ्रेम, वेब व्यू, लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, इस तरह के काफ़ी जो भी कोई ना कोई आपकी
व्यूज़ कंटेन करते हैं उनको हम व्यू ग्रुप्स कह लेते हैं। यानी कि कोई लेआउट है जो टेक्स्ट व्यू कंटेन कर रहा है, एडिट टेक्स्ट कंटेन कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा, कंटेनर की शक्ल में होगा। उस कंटेनर के अंदर हमारे पास ये सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं, तो कंटेनर जो है वो बेसिकली व्यू ग्रुप होता है। उसको भी हम देख लेते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पर जाके। तो लेआउट के अंदर आप देख लें, जिस तरह के इसमें लीनियर लेआउट आ रहा है, लीनियर के बाद आपका फ्रेम लेआउट, इसी तरह इसमें रिलेटिव लेआउट्स भी होते हैं। तो ये सारे के सारे जितने लेआउट्स हैं जो बेसिकली कंटेनर की तरह बिहेव करते हैं, वो हमारे बेसिकली व्यू ग्रुप का पार्ट है। अब हम कुछ मेन जो हमारे लेआउट्स हैं या व्यू ग्रुप्स हैं उनको देख लेते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है और लाइट वेट भी है वो है हमारे पास लीनियर लेआउट। तो लीनियर लेआउट बेसिकली इसके नाम से जाहिर है कि ये स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा होता है लीनियरली, या तो ये हॉरिजॉन्टली होगा या वर्टिकली होगा। आप इसको हॉरिजॉन्टली भी चला सकते हैं और वर्टिकली भी चला सकते हैं। ये बेसिकली जो रेक्टेंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके व्यूज़ हैं, और ये जो कंटेनर है ये लीनियर लेआउट ही इसका कंटेनर है। तो लीनियर लेआउट की अगर आप ओरिएंटेशन सेट कर देते हैं वर्टिकल, तो आपके एलिमेंट्स इस तरह से वर्टिकली डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं कि वर्टिकल ऑर्डर में, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ये डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं ए बी सी डी करके। और अगर आप उसकी जो ओरिएंटेशन है उसको हॉरिजॉन्टल सेट कर देते हैं तो आपके जो व्यूज़ हैं वो बेसिकली हॉरिजॉन्टली मूव करना शुरू कर देते हैं। तो हॉरिजॉन्टली ए बी सी डी आप करके इसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं लीनियर लेआउट की कुछ थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंटेशन चेक कर लेते हैं कि हम लीनियर लेआउट से कैसे एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने एक लीनियर लेआउट यहाँ पे ऐड कर दिया है, जो आपकी टेस्ट एक्टिविटी थी, इसका जो पेरेंट है हमारे पास एग्जामल के अंदर, मैंने एक लीनियर का टैग ऐड कर दिया। तो जैसे ही आप कोई लेआउट का टैग ऐड करेंगे तो आपको उसकी विड्थ और हाइट बताना मस्ट होगी। तो इसके अंदर दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेआउट विड्थ का और लेआउट हाइट का। लेआउट हाइट या विड्थ में आप सेट कर सकते हैं काफ़ी ऑप्शन, जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप मैच का आ रहा है। इसी तरह से आप अगर इसको देखना चाहें तो आप इसको इरेज करके कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, और इनमें से जिस पे ये क्रॉस या लाइन लिखी हुई आ रही है ये डुप्लीकेटेड ऑप्शन है, पहले ये यूज़ होता था लेकिन अब नहीं होता। तो इसके अंदर आप मैच पेरेंट कर सकते हैं या फिर रैप कंटेंट कर सकते हैं। मैच पेरेंट का मतलब है कि जो एरिया इसके पास अवेलेबल है विड्थ में, वो विड्थ में ये सारा एरिया ले ले। और रैप कंटेंट का मतलब है कि इसके अंदर जितने भी व्यूज़ होंगे उसके व्यूज़ के हिसाब से ये जितनी इसकी विड्थ बनती है वो यूज़ करें, बाकी स्पेस छोड़ दें। तो रैप और मैच पेरेंट ये आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसको आप समझ लीजिए। तो हम मैच पेरेंट कर लेते हैं क्योंकि हमने इसका पूरा का पूरा एरिया यूज़ करना है। तो मैच पेरेंट इसकी विड्थ कर लेते हैं, इसी तरह इसकी जो हाइट है इसको भी हम मैच पेरेंट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये रिफ्लेक्ट हो रही है ब्लू लाइन, तो ये आपको बता रही है कि आपका ये जो लेआउट है ये इतनी जगह लेगा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो ये स्क्रीन तकरीबन हमने सारी ही ऑक्यूपाई कर ली है, सारी की सारी स्क्रीन हमने ले ली है। तो ये लीनियर लेआउट की दो प्रॉपर्टीज़ आपने सेट करनी है। उसके बाद तीसरी जो प्रॉपर्टी इसकी होती है वो है इसकी ओरिएंटेशन। जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था कि हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, तो हम इसमें ओरिएंटेशन सेट कर लेते हैं। ORI जैसे आप लिखेंगे तो ये सजेशंस में आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा ओरिएंटेशन। अब ये हमसे पूछ रहा है कि ओरिएंटेशन आपने इस लेआउट की जो है वो हॉरिजॉन्टल सेट करनी है या वर्टिकल सेट करनी है। तो बेसिकली हमारे जो डिज़ाइन है वो हम अगर चाह रहे हैं कि थोड़ा इस टाइप का हो जिसमें वर्टिकली हमारे व्यूज़ आ रहे हों, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट व्यू ऊपर आ रहा है नीचे भी टेक्स्ट व्यू आ रहा है, तो हम उसको वर्टिकल कर लेंगे। ठीक है, जिस तरह कि हम एक छोटी सी स्क्रीन डिज़ाइन कर लेते हैं जिसमें लाइक वो हम एक लॉगिन पेज बना लेते हैं। तो लॉगिन पेज में हमारे पास सबसे पहले एक चीज़ आ जाती है एडिट टेक्स्ट, उसके बाद हम एक दोबारा एक एडिट टेक्स्ट दे देंगे। एक एडिट टेक्स्ट यूज़र नेम का हो जाएगा, दूसरा एडिट टेक्स्ट
पासवर्ड का हो जाएगा। तो उसको बनाने के लिए हमें वर्टिकल चलना पड़ेगा ना, तो हम इसके जो पेरेंट हमारा है इसको हम वर्टिकल ऑर्डर ओरिएंटेशन इसकी सेट कर देते हैं। तो ये आपने एक लीनियर लेआउट ऐड किया जिसकी आपने ओरिएंटेशन जो है वो वर्टिकल सेट कर दी। अब हमने जैसे डिसाइड किया था कि हम एक लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे, और लॉगिन स्क्रीन के हमें शुरू में ही लिखना पड़ेगा यूज़र नेम, उसके बाद यूज़र नेम की एक एडिट टेक्स्ट आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास दोबारा एक पासवर्ड आ जाएगा, उसके बाद पासवर्ड की एडिट टेक्स्ट आ जाएगी, और लास्ट में हमारे पास लॉगिन का एक बटन डाल देंगे हम। ठीक हो गया। तो उस डिज़ाइन को डिज़ाइन करने के लिए आपको सबसे पहले तो मेन कंटेनर लेना था जो आपने ले लिया स्टार्ट में, लीनियर लेआउट जिसकी आपने ओरिएंटेशन सेट कर दी वर्टिकल। अब आप इसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे आपने एक टेक्स्ट व्यू ऐड करना है, तो उसके लिए आपको एंगल ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी, और आप टी कैपिटल के साथ TXT टेक्स्ट व्यू, आप जैसे इसको टाइप करेंगे एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो इसकी मैंडेटरी फील्ड्स हैं ये आपके सामने ऐड कर देगा। अब ये मैंडेटरी फील्ड उसी तरह से हैं जैसे ऊपर लीनियर लेआउट में थी, विड्थ और हाइट। तो हम इसको फ़िलहाल कर देंगे रैप कंटेंट, यानी कि जितना बड़ा मेरा टेक्स्ट होगा उतनी ही ये एरिया लेगा, इसको भी हम रैप कंटेंट कर देंगे। अब इसकी काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होती हैं, उसको देखने के लिए आप कंट्रोल और स्पेस प्रेस करें। तो ये सब की सब एट्रीब्यूट्स जो किसी भी टेक्स्ट व्यू में होती हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, और जब आप किसी भी एट्रीब्यूट पे जब इसको लेके चलेंगे तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर अवेलेबल होगी तो वो आपको दिखाना शुरू कर देगा साइट से। ठीक है। तो अभी हमने इसका टेक्स्ट सेट करना है जिसका नाम हम रखेंगे यूज़र नेम, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट। तो ये देखें इसकी टेक्स्ट की जो एट्रीब्यूट है वो सामने आ गई। अब इसको एंटर करके हमने ऐड कर लिया। अब टेक्स्ट के अंदर हम सेट कर देंगे यूज़र नेम। तो आपके सामने जो ये साइट पे व्यू बन रहा है इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि यूज़र नेम के नाम से एक टेक्स्ट व्यू सेट हो चुका है। अब उसके नीचे हमने एक लेना था एडिट टेक्स्ट जो यूज़र नेम हमें एंटर करके देगा, तो उसके लिए भी हमें वैसे ही एंगल ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी, और हम यहाँ पे टाइप कर देंगे एडिट टेक्स्ट। इसको भी हम कर सकते हैं रैप कंटेंट, लेकिन हमें इसको पूरा का पूरा व्यू देना है, तो हम इसको मैच पेरेंट कर देंगे, तो उसकी विड्थ जो होगी वो पूरी मैच पेरेंट पे चली जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गई है। और अब इसकी हम हाइट बता देते हैं, हाइट को हम रैप कंटेंट कर देते हैं। तो ये आपके सामने एडिट टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट व्यू के नीचे ऐड हो चुका है। इसी तरह से दोबारा हम नीचे एक और टेक्स्ट व्यू ले लेंगे, उसके भी रैप कंटेंट, और रैप कंटेंट करके इसका टेक्स्ट सेट कर देंगे पासवर्ड। और इसके नीचे दोबारा हम एक एडिट टेक्स्ट ले लेंगे, इसको हम विड्थ को मैच पेरेंट कर लेते हैं। तो ये आपके सामने अभी दो टेक्स्ट व्यूज और दो एडिट टेक्स्ट ऐड हो चुके हैं। अब लास्ट में हम एक बटन ऐड कर लेंगे। बटन ऐड करने के लिए भी आपको इसी तरह से एंगल ब्रैकेट ओपन करके और बटन लिखना है BUTTON। बटन जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इसकी भी उसी तरह से विड्थ और हाइट पूछना शुरू कर देगा। तो विड्थ हम इसकी सेट कर देंगे रैप, हाइट भी इसकी रैप कंटेंट कर देते हैं, और बटन का आपको एक टेक्स्ट सेट करना पड़ेगा। तो उसी तरह से हम इसका टेक्स्ट करके एक टेक्स्ट सेट कर देंगे जिसका हम नाम रख देंगे लॉगिन। तो ये आपने एक सिंपल सा लॉगिन का पेज डिज़ाइन कर लिया। इसमें अगर आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, तो आपने क्या किया था कि आप सिंपली एक लीनियर लेआउट आपने लिया, उसके अंदर आपने एक टेक्स्ट व्यू जो कि यूज़र नेम था, और दूसरा एडिट टेक्स्ट ऐड किया जो आपका यूज़र नेम की इनपुट लेगा, और तीसरा आपने ऐड किया टेक्स्ट व्यू, उसका आपने नाम रख दिया पासवर्ड,
टेक्स्ट आपने पासवर्ड सेट कर दिया, उसके बाद दोबारा आपने एक एडिट टेक्स्ट ले लिया जो कि आपकी पासवर्ड की इनपुट लेगा, और आपने एक बटन ऐड कर दिया जो कि लॉगिन का है। तो ये आपने एक सिंपल सा लॉगिन का पेज डिज़ाइन कर लिया आपके लीनियर लेआउट को यूज़ करते हुए, और ये वर्टिकल ओरिएंटेशन के साथ है। चले अब हम इस डिज़ाइन को थोड़ा सा एडवांस करते हैं, जिस तरह कि इसने बिल्कुल ही जो इसका एज है इसके ऊपर चिपक गया आपका सारा का सारा जो डिज़ाइन है। तो हमें अगर इसको थोड़ा थोड़ा सा आगे पीछे से साइड पे करना है, तो हमें क्या करना है कि एक पैडिंग ऐड करनी है। पैडिंग मीन्स कि आपका जो ये जितने भी कॉर्नर का एरिया है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्पेस ऐड हो जाएगी। तो वो पैडिंग आप किसी भी जगह पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें इस पूरे लेआउट के अंदर चाहिए। तो हम इसका जो पेरेंट लेआउट है वहाँ पर जाके एक नई एट्रीब्यूट ऐड करेंगे जिसका नाम है पैडिंग, पी ए। तो जैसे आप पैडिंग लिखेंगे तो नीचे आपके पास ये ऑप्शन में पैडिंग आना शुरू हो जाएगा, आप इसको क्लिक करें। अब आपने इसको बताना है कि आप कितने पिक्सल की पैडिंग सेट करना चाह रहे हैं। एंड्रॉयड के अंदर जो आपका डिज़ाइन होता है उसका साइज़ अगर आपने मेजर करना है तो आप काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हैं। पिक्सल के लिए आपको पी एक्स यूज़ करना पड़ता है, और आप डी पी भी यूज़ कर सकते हैं, डेंसिटी पिक्सल्स। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट मोबाइल्स की डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर कंसिस्टेंटली अच्छा नज़र आए, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डेंसिटी पिक्सल्स यूज़ करें, यानी कि डीपी यूज़ करें। तो आपको कुछ आइडिया तो हो जाएगा, जब आप वक्त के साथ साथ डेंसिटी पिक्सल्स को यूज़ करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने डेंसिटी पिक्सल्स कितना गैप देते हैं। तो मैं आपके एक अंदाज़े के तौर पर यहाँ पर 10 dp यानी कि डेंसिटी पिक्सल्स का गैप दे देता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि इससे पहले क्या था कि ये आपका डिज़ाइन बिल्कुल ही जो आपका बॉर्डर है इसके साथ चिपका हुआ था, तो इसने 10 dp का मार्जिन ऐड कर दिया। तो अगर आप पैडिंग का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो वो हर तरफ से इसको पैडिंग दे देगा, लाइक टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप एक साइड से इसको लाइक पैडिंग दें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको अगर हम हटा दें यहाँ से तो आप इसको बता सकते हैं कि पैडिंग कहाँ से देनी है। तो ये नीचे इसके ऑप्शन आ रहे हैं कि पैडिंग बॉटम, पैडिंग एंड, पैडिंग लेफ़्ट, राइट, स्टार्ट, टॉप, बॉटम। तो कहीं से भी आप इसको पैडिंग दे सकते हैं। अगर आप पैडिंग सिंपल पैडिंग यूज़ करेंगे तो ये हर तरफ से इसको पैडिंग दे देगा जो कि हमें रिक्वायर्ड है फ़िलहाल। तो हम इसको 10 dp की पैडिंग दे देते हैं, तो ये क्या करेगा कि आपके लेआउट को साइड से थोड़ा सा स्पेस ऐड कर देगा। अब थोड़ा सा आपका लेआउट जो है वो अच्छा लग रहा है। इसी तरह से अगर आप चाह रहे हैं कि आपका पासवर्ड की जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा चिपकी हुई है आपके एडिट टेक्स्ट के साथ, तो आप यहाँ पर जाएंगे, जो पासवर्ड की आपने टेक्स्ट व्यू ऐड की थी इसके ऊपर जाके आप लिख दें पैडिंग टॉप, यानी कि आप इसका इससे ऊपर आप पैडिंग ऐड कर देंगे, 10 dp की आप पैडिंग ऐड करेंगे। तो आप देखेंगे आपका जो लेआउट का पासवर्ड है इसके ऊपर आपकी पैडिंग ऐड हो चुकी है। इसी तरह आप बटन का लॉगिन बटन जो आपने बनाया है इसके ऊपर भी पैडिंग ऐड कर सकते हैं, तो आप इसको भी पैडिंग दे दें, पैडिंग टॉप पे जाके 10 dp की पैडिंग आपने इसको दे दी। तो आपके लेआउट जो है इसमें भी थोड़ी सी पैडिंग आ गई। चले अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करके देख लेते हैं कि हम लीनियर लेआउट में और क्या कुछ कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो आपको मैंने अभी पैडिंग ऐड करने का बताया, तो पैडिंग के अलावा एक और चीज़ भी हमारे पास होती है, उसे हम कहते हैं मार्जिन। तो मार्जिन और पैडिंग में क्या फ़र्क है उसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं अभी। कि पैडिंग, जैसे कि आपने देखा कि जैसे आपने एक टेक्स्ट व्यू की पैडिंग सेट की थी यहाँ पे जी, तो जैसे आपने इस पैडिंग टॉप इसको सेट किया तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये एरिया में पासवर्ड के जो टेक्स्ट व्यू है इसके ऊपर इसने 10 dp का एक पैडिंग ऐड कर दिया। यानी कि ये जो व्यू है इसके इनसाइड अगर कोई चीज़ पुश करनी है तो वो हम पैडिंग के थ्रू करते हैं। एक इसमें और चीज़ आती है हमारे पास, उसके हम कहते हैं मार्जिन। अगर हम इसको हटा के यहाँ पे मार्जिन टॉप सेट करें, देखें क्या होता है। मार्जिन भी इसी तरह से है, अगर आप सिंपल मार्जिन सेट करेंगे तो ये इसके लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम सब जगह पे मार्जिन सेट करेगा। अगर आप स्पेसिफिकली बताना चाहते हैं तो टॉप मार्जिन पर सेट कर सकते हैं मार्जिन टॉप। इसको अगर हम 10 dp कर देते हैं तो आप देखेंगे पासवर्ड की जो फील्ड है इसके अंदर इनसाइड कोई भी
पैडिंग ऐड नहीं हुई, बल्कि इसके ऊपर इसने मार्जिन ऐड कर दिया 10 dp का। तो ये मार्जिन और पैडिंग में थोड़ा सा फ़र्क मैं आपको बता दिया, तो ये हमारे काफ़ी काम आएगा फ्यूचर में, क्योंकि हमें ये जितनी भी चीज़ें होंगी इनको आपस में थोड़ी सी स्पेसिंग देने के लिए मार्जिन और पैडिंग की यूज़ करनी पड़ेगी। इसी तरह से जो आपका बटन था इसके ऊपर भी हम मार्जिन सेट कर देते हैं, मार्जिन टॉप, और उसको भी हम 10 dp दे देते हैं। तो आप देखें कि आपके जो बटन है इसके इनसाइड कोई भी चीज़ इसने पैडिंग ऐड नहीं की, ऊपर से इसको 10 dp का मार्जिन दे दिया। अब हम इसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो हैं हम हॉरिजेंटली भी मूव कर देते हैं, मतलब कि आपका राइट से लेफ्ट की तरफ। तो जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि यूज़र नेम के बिल्कुल नीचे ही एडिट टेक्स्ट है, तो हम यूज़र नेम के सामने एडिट टेक्स्ट लेके आते हैं, तो वो देखते हैं हम उसको किस तरह से अचीव करेंगे। तो आपने सिंपली क्या करना है कि ये यूज़र नेम और इसकी एडिट टेक्स्ट है, और इसी तरह से ये पासवर्ड और इसकी एडिट टेक्स्ट है। तो हम इसके ऊपर एक और लीनियर लेआउट ऐड कर देते हैं। यह पेरेंट लीनियर लेआउट के अंदर हमारा सब लीनियर लेआउट आ रहा है, यानी कि सब कंटेनर है। इसी तरह से आप एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लीनियर लेआउट, और इसकी जो विड्थ तो राइट है उसी तरह से आपने सेट करनी है। हम इसकी विड्थ सेट कर देते हैं मैच पेरेंट, क्योंकि हमें टोटल एरिया चाहिए होगा। हाइट हम इसकी रैप कर देते हैं कि जितना बीच में आपके पास कंटेंट है उतने अपने आप की हाइट आप सेट करेंगे। और इसकी ओरिएंटेशन अब हम क्या सेट करेंगे, हॉरिजेंटल। ये इसका क्लोजिंग टैग है, इसको उठाएंगे यहाँ से हम इसको कट करके, और जो आपने दो एलिमेंट्स इसके अंदर डालने थे, दो व्यूज़, उसके एंड पे इसको डालेंगे। अब आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट है वो हॉरिजेंटली सेट हो चुका है यहाँ पे। अब क्या हुआ आपका कि यूज़र नेम के लेफ्ट साइड पे इसकी एडिट टेक्स्ट आ गई, यानी कि ये हॉरिजेंटली मूव करना शुरू हो गया। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी ना हमारा जो ये XML है इसकी सेटिंग थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी आपको, तो इसको फॉर्मेट करने के लिए एक शॉर्टकट मैं आपको बता दूं, Alt Ctrl L। Alt Ctrl L जब आप प्रेस करेंगे तो इसकी ऑटोमेटिकली ये पूरे के पूरे कोड की सेटिंग करेगा। तो Alt Ctrl L जो है आपने याद रखना है, क्योंकि ये आप थ्रू आउट जब भी आप कोडिंग कर रहे होंगे तो आपको बार बार फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, तो इसके लिए एक शॉर्टकट की है ये। तो ये आपने एक हॉरिजेंटली सेट कर दिया। अब हम अगला जो हमारा टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट है इसको भी हॉरिजेंटली सेट कर लेते हैं। उसके लिए भी हमें यही करना पड़ेगा कि हम सिंपली यहाँ पे एक लीनियर लेआउट ऐड करेंगे, इसका हम विड्थ मैच पेरेंट कर देते हैं, हाइट रैप कंटेंट कर देते हैं, और इसकी जो ओरिएंटेशन है इसको हम हॉरिजेंटल सेट कर देते हैं। इसी तरह से इसके जो क्लोजिंग टैग है इसको हम कट करके, तो जो जो चीज़ें आपने जो व्यूज़ इसके अंदर लेके आने हैं उस व्यूज़ के एंड पे हम इसको प्लेस कर देंगे। तो आपका जो दूसरा वाला सेक्शन था ये भी आप देखें कि आपका हॉरिजेंटली सेट हो गया, ठीक हो गया। और उसी तरह से Alt Ctrl L प्रेस करके हमने इसकी दोबारा फॉर्मेटिंग कर ली, बटन हमारा उसी तरह से नीचे रहेगा। अब जो इनके दरमियान में हमने पैडिंग सेट की थी उसका SH को फ़ायदा नहीं है, तो उसको यहाँ से हम कट करेंगे, और आपका जो मेन जो पूरा कंटेनर है जिसने इन दोनों व्यूज़ को कंटेन किया हुआ है इसके मेन पे जाके हम इसको ऐड कर देंगे मार्जिन टॉप को। तो आप देखें यहाँ पे मार्जिन इसने पूरे कंटेनर के ऊपर एक मार्जिन 10 का दे दिया, ठीक हो गया जी। अब आपने एक लीनियर लेआउट में वर्टिकल और उसके बाद हॉरिजेंटली भी आपने व्यूज सेट करके देख लिया। तो ये दोनों चीज़ें आप साथ साथ लेके भी चल सकते हैं। इस तरह के लेआउट्स आपको काफ़ी ज़्यादा बनाने पड़ेंगे जिसमें आप लीनियर लेआउट के अंदर फर्दर लीनियर लेआउट्स बनाएंगे ताकि आप एक अच्छा डिज़ाइन अचीव कर सकें। अच्छा, तो अब हम जो नई चीज़ देखने जा रहे हैं वो लीनियर लेआउट का एक बहुत अच्छा फीचर है, उसको हम कहते हैं बेसिकली वेटेज। तो वेटेज में हम क्या करते हैं कि हम बता देते हैं कि आपका जिस तरह से अब ये ओरिएंटेशन इसकी हॉरिजेंटल है, तो हॉरिजेंटली ये पासवर्ड की जो एडिट टेक्स्ट या टेक्स्ट फील्ड है ये कितनी वेटेज ले, यानी कि कितना परसेंट जगह ले किसी भी लेआउट की, और जो आपकी एडिट टेक्स्ट है वो कितने परसेंट जगह ले, यानी कि जितना मर्जी बड़ा डिस्प्ले आ जाए, टैबलेट आ जाए, या फिर मोबाइल की डेंसिटी पिक्सल ज़्यादा हो किसी की भी, तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो व्यूज़ हैं ये अपने आप को वेटेज के हिसाब से सेट करेंगे, अगर हम लीनियर लेआउट को वेटेज के हिसाब से लेके चलेंगे। तो आइए हम उसको देख लेते हैं कि हम वो किस तरह से अचीव करते हैं। तो सिंपली आपने कोई भी अगर आपका कंटेनर है लीनियर लेआउट का, तो उसके अंदर आप लिख देंगे वेट सम। अब वेट सम आप 100% कर देंगे, यानी कि ये टोटल जो आपकी विड्थ है इसको आपने 100 ले लिया कि ये मेरी टोटल जो विड्थ है ये 100 है।
क्योंकि ये ओरिएंटेशन जो इसकी है वो हॉरिजॉन्टल है, इसलिए हमने बोला कि इसकी जो विड्थ है ये 100% होगी, हॉरिजॉन्टली ये 100% जगह ले रहा है। अब उसमें से आप टेक्स्ट व्यू को कितना परसेंट जगह देना चाह रहे हैं और एडिट टेक्स्ट को कितनी जगह देना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर सेट करें। इसकी जो विड्थ है जिस हिसाब से आप चल रहे हैं, जो ओरिएंटेशन में हॉरिजॉन्टल बनती है, तो इसकी विड्थ को आपको 0 dp सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप जो विड्थ लेना चाह रहे हैं वो आप वेट सम के थ्रू देंगे। तो अब यहाँ पे लेआउट वेट और आप बता देंगे कि मैं इसको 30% देना चाह रहा हूँ। तो आपने टेक्स्ट व्यू की जो वेट है वो 30 सेट कर दी और आपने इसकी विड्थ को 0 कर दिया कि अब आप जो विड्थ लोगे वो लेआउट वेट के हिसाब से लोगे, यानी कि 30%। और एडिट टेक्स की भी इसी तरह से आप लेके चलेंगे, जो बकाया आपके पास विड्थ बच गई है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा वही लेआउट वेट और इसको हम बकाया जो 70% था वो रह गया वो यहाँ पे हमने डाल दिया, और इसकी भी विड्थ को हम 0 dp सेट कर देंगे। तो अब क्या चीज़ वो हुई इसके अंदर के आपके लीनियर लेआउट की जो टोटल विड्थ थी वो आपने सेट कर दी 100, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल था इसलिए हम विड्थ में बात कर रहे हैं। अगर ये वर्टिकल होता तो हम बात करते हैं इसकी हाइट की, तो अभी ये हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है तो हम इसकी विड्थ की बात करें। उस विड्थ में से आपने 30% जो वेट है वो दे दिया आपके टेक्स्ट व्यू को, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये पूरी जो जगह है इसका जो 30% एरिया है वो आपके पासवर्ड ने ले लिया और जो 70% एरिया है वो आपका एडिट टेक्स्ट ने ले लिया। अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है, इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि जब आपका कोई भी डिवाइस का साइज़ आता है तो आपका ये जो लीनियर लेआउट है ये विड्थ को कैलकुलेट करेगा, उसका 100% लेगा और 100% में से 30% जो है वो पासवर्ड को दे देगा और 70% जो है वो आपके एडिट टेक्स्ट को दे देगा। तो ये हर लेआउट में कभी भी ये चीज़ आगे पीछे नहीं होगी, ये पूरा का पूरा 70 और 30 का रूल इस पर अप्लाई होगा। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है किसी भी लीनियर लेआउट का, तो ये भी आपको आना चाहिए और ये काफ़ी मददगार साबित होता है डिफरेंट जगहों पे जब आप इस तरह की कोई फिक्स चीज़ें करना जा रहे होते हैं। तो फिक्स चीज़ों से बचने के लिए आप यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से रख देते हैं कि इतना परसेंट आप इसको दे दो, उतना परसेंट आप उसको दे दो। तो ये जितने भी व्यूज़ इसके अंदर होंगे आप इसको डिवाइड करके अपने हिसाब से परसेंटेजेस इनकी सेट कर सकते हैं। तो चलें हम ऊपर वाले की भी इसी तरह से वेटेज सेट कर देते हैं। इसके लिए भी हमें ये करना पड़ेगा कि वेट सम ऐड करना पड़ेगा आपके जो मेन कंटेनर है उसके ऊपर, वो 100% हमने कर दिया। और आप अंदर आएंगे आपके व्यूज़ के ऊपर आपने जो वेट सेट किया वो होगा लाइक 30 इसको दे दिया, लेकिन इसकी जो विड्थ है इसको हमने 0 dp सेट कर दिया क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं तो हम विड्थ को देख रहे हैं। विड्थ की हम अब यहाँ से विड्थ नहीं लेंगे और अब हम वेट के थ्रू विड्थ इसकी सेट करेंगे। और इसी तरह हम एडिट टेक्स्ट पे भी यूँ ही वेट सम सेट करेंगे और इसी तरह हम एडिट टेक्स्ट का भी वेट सेट करेंगे और वो है जो बाकी इसका बच गया 70%, वो हमने इसको दे दिया, उसकी वेट को भी हमने 0 dp कर दिया। तो आप देखें कि आपका जो लेआउट है वो पूरा का पूरा एक सीक्वेंस से चल रहा है, 30% 70% 30% 70%। अगर आपको लग रहा है कि आप इसको ज़्यादा स्पेस दे रहे हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, लाइक जिस तरह से आप 25 इसको कर दें या 20 भी कर सकते हैं और नीचे वाले को आप दे दें जो बाकी बच गया 80%। तो आप देखें कि आप पूरा पूरा आपका ये 80 और 20 का एक स्पेसिंग इसमें होगी। इसी तरह से आप नीचे भी इसको सेट कर दें 20 और 70। तो ये आप अपने हिसाब से देख देख के इसको कर सकते हैं। मेरे ख्याल में लीनियर लेआउट में आपको तकरीबन सब चीज़ें मैंने बता दी, तो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप एक अच्छे से अच्छा डिज़ाइन लीनियर लेआउट को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। तो चलें अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट लेआउट। अब हमारा जो नेक्स्ट लेआउट है बेसिकली वो रिलेटिव लेआउट है। रिलेटिव लेआउट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हमारे पास कोई कम्प्लेक्स डिज़ाइन आ जाते हैं जो हम लीनियर लेआउट से अचीव नहीं कर सकते तो हम उसमें फिर रिलेटिव लेआउट की तरफ मूव करते हैं। तो रिलेटिव लेआउट होता क्या है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं आज। रिलेटिव लेआउट भी बिल्कुल लीनियर लेआउट की तरह एक व्यू ग्रुप का पार्ट है, सब क्लास है उसकी, तो ये व्यू ग्रुप होता है। और इसके अंदर भी इसी तरह से जिस तरह से लीनियर लेआउट के अंदर डिफरेंट व्यूज़ हम डालते हैं, इस तरह से रिलेटिव लेआउट के अंदर भी व्यूज़ आते हैं, जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा कंटेनर जो है ये रिलेटिव लेआउट का कंटेनर है
और इसके अंदर ये एक व्यू आ रहा है, इसी तरह से ये एक व्यू आ रहा है, ये एक व्यू आ रहा है, लेकिन ये एक लीनियर वे में नहीं चल रहा। यानी कि इस जो व्यू है इसके बॉटम पे और ये वाला व्यू भी इसके बॉटम पे आ रहा है, इसी तरह ये वाला व्यू जो है इन दोनों के टॉप पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो हम चीज़ देखते हैं कि पोजीशन इसमें मैटर करती है बेसिकली, कि आपके व्यूज़ जो हैं वो किसी ना किसी पोजीशन के तहत एक दूसरे के आगे पीछे सेट हुए हुए हैं। लेफ़्ट राइट भी हो सकते हैं, टॉप बॉटम भी हो सकते हैं, ये आप अलाइनमेंट इसमें सेट कर सकते हैं, ये आपको इसमें काफ़ी आसानी हो जाती है। और रिलेटिव लेआउट में सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है, जिस तरह कि हमने देखा कि जो आपका लीनियर लेआउट था उसके अंदर आपको उसके अंदर फर्दर लीनियर लेआउट्स बनाने पड़े अगर आपने हॉरिजॉन्टल मूव करना था, तो काफ़ी ज़्यादा नेस्टेड उसका स्ट्रक्चर हो गया था। नेस्टेड मतलब कि मेन आपका जो व्यू ग्रुप है उसके अंदर आपने और व्यू ग्रुप्स कंटेनर्स बनाए और उसको कंटेन करने के लिए, लेकिन रिलेटिव में आप इस चीज़ से काफ़ी बच जाते हैं, तो आपका जो एक इंटरफेस है वो काफ़ी सिंपल हो जाता है और उसमें आप नेस्टिंग जो है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी कि आपके रिलेटिव लेआउट के अंदर जो नेस्टेड लेआउट्स हैं वो बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू लीनियर लेआउट, लेकिन फिर भी लीनियर लेआउट जो है उसकी जो रेंडरिंग है वो उससे काफ़ी फास्ट है, इसी वजह से कि उसकी कम्प्लेक्सिटी कम है लीनियर लेआउट रिलेटिव लेआउट से। और रिलेटिव लेआउट जो है वो फ्लैट हायरार्की को फॉलो करता है, यानी कि एक रिलेटिव लेआउट आप ले लें उसके अंदर ही आप सारे व्यूज़ डालते जाएं और बताते जाएं कि ये व्यू इसके लेफ्ट पे होगा, ये व्यू इसके राइट पे होगा, वो व्यू इसके राइट पे लेफ्ट पे, इस तरह से चलते जाएंगे। तो ये बेसिकली एक फ्लैट हायरार्की को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इस वजह से थोड़ा सा उससे ईजी है लीनियर लेआउट से। तो चले अब हम इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि हम रिलेटिव लेआउट से सेम वही वाला डिज़ाइन कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो अब हमने एक और स्क्रीन ले ली जिसका हमने जो पेरेंट है वो रिलेटिव लेआउट सेट कर लिया। अब हम सेम वैसे ही एक लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे, लेकिन अब हम लीनियर के बजाय रिलेटिव लेआउट को यूज़ करेंगे। तो उसी तरह से हम अपने जो व्यूज़ हैं उनको ऐड करते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा हमारा जो यूज़र नेम की टेक्स्ट व्यू थी, टेक्स्ट व्यू हमने सेट कर ली, इसको हम रैप कर देते हैं, इसकी हाइट भी हम रैप कंटेंट कर देते हैं, इसका टेक्स्ट हम सेट कर देते हैं। अब हम एक एडिट टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, देख रहे हैं कि जो भी मैं व्यू ऐड कर रहा हूँ वो दूसरे व्यू के ऊपर ही ओवरलैप होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ रिलेटिव लेआउट है इसके अंदर आप इस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से आपने लीनियर लेआउट के अंदर किया कि आपने इसकी ओरिएंटेशन यहाँ पे सेट कर दी। यहाँ पे ऐसा कोई ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये एडिट टेक्स्ट जो है ये इस टेक्स्ट व्यू के किस साइड पर आए, टॉप पर आए, लेफ्ट पर आए, बॉटम पर आए, या किस जगह पर आना चाहिए। तो आपको इसका बताना पड़ेगा कि आपने इस चीज़ को किस जगह पे सेट करना है। तो जब आप पोजीशनिंग करने लगते हैं तो आपको पोजीशन इस तरह से करना पड़ता है कि एडिट टेक्स्ट जो है वो इस टेक्स्ट व्यू के आए, तो फिर आपको इनकी आईडीज सेट करनी पड़ेंगी कि आप किस टेक्स्ट व्यू की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इनकी आईडीज भी सेट करते हैं। आईडीज सेट करने का मैं आपको बता देता हूँ, आप सिंपली यहाँ पे जाके लिखेंगे आईडी, तो यहाँ पे आईडी का एक आपके पास आ गया। अब आईडी के अंदर आपने एट द रेट प्लस आईडी, ये ऑटोमेटिकली इसने बता दिया आपको ये आईडी आप सेट करेंगे। अब यहाँ पे इसका एक नाम सेट कर देते हैं हम कि ये टेक्स्ट व्यू क्या है। तो हम मोस्टली जो नेमिंग कन्वेंशन यूज़ की जाती है मार्केट में वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप लेआउट की या एक्सएमएल की फ़ाइल में होते हैं तो आप सारे स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं, आप इसके अंदर कैमल केस में नहीं यूज़ करना चाहिए। वैसे आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता, तो मोस्टली जो कन्वेंशन फॉलो हो रहा है वो स्मॉल में ही है। और आप इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, जिस तरह से मैं लिख देता हूँ टीवी, टीवी स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर। अब आगे आप इसका नाम को सेट कर सकते हैं, जिसका हम नाम रख सकते हैं यूज़र अंडरस्कोर नेम। तो हमने ये नाम सेट कर दिया इसका आईडी टीवी अंडरस्कोर यूज़र। ये आईडी किस तरह से सेट हुआ, आपने आईडी का एक एट्रीब्यूट लिया, उसके अंदर एट द रेट प्लस आईडी मतलब कि न्यू आईडी आप सेट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपने
इसका नाम रख दिया टी वी अंडरस्कोर यूज़र नेम। तो आप जब भी एक्सएमएल के अंदर काम कर रहे होंगे तो एक्सएमएल में आईडी सेट करने का यही तरीका है। इसी तरह हम एडिट टेक्स्ट का भी आईडी सेट कर देते हैं। सिंपली आप आईडी लेंगे एट द रेट प्लस आईडी। अब एडिट टेक्स्ट है तो इसका फर्स्ट फर्स्ट लेटर ले लेंगे ई टी एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर, हम ले रहे हैं यूज़र नेम। अब आपने दोनों का आईडी सेट कर दिया। तो अब हमने इस टेक्स्ट व्यू को बताना है कि आप इस टेक्स्ट व्यू को किसकी जगह पे, किस जगह पे, किस पोजीशन पे सेट करना चाह रहे हैं। तो आपने इसको इस आईडी के नीचे सेट करना है, यानी कि टेक्स्ट व्यू के नीचे। तो हम यहाँ पे बेसिकली एक एट्रीब्यूट ले आते हैं कि बिलो। अब ये लेआउट बिलो मतलब कि ये वाली जो एडिट टेक्स्ट है किसी चीज़ के बिलो आएगी। अब वो चीज़ क्या है आपको उसको आईडी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो आईडी हमने उसकी रखी हुई है टीवी यूज़र नेम, तो टीवी यूज़र नेम के बिलो इसको सेट कर दो। तो आपने देखा कि ये कितना सिंपल है कि आप जस्ट आपने एक बिलो की एट्रीब्यूट यूज़ की और वो आपकी जो एडिट टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट व्यू के बिलो सेट हो गया। अब थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ऑल्ट कंट्रोल एल, तो ये आपकी फॉर्मेटिंग भी होगी साथ साथ। अब इसी तरह से आपने दो और व्यूज़ ऐड करने हैं, जिस तरह से एक हमारे पास पासवर्ड का टेक्स्ट व्यू था और एक पासवर्ड की एडिट टेक्स्ट थी, वो हम ऐड कर लेते हैं। टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट, हाइट फिट रैप कंटेंट कर देते हैं और उसका जो टेक्स्ट है वो सेट कर देते हैं। पासवर्ड इसकी भी हमें आईडी सेट करनी पड़ेगी क्योंकि हमने इसके भी आगे पीछे किसी चीज़ को मूव करना होगा, तो हम इसकी भी एक आईडी सेट कर देते हैं आईडी एट द रेट प्लस न्यू आईडी, और हम इसका नाम रख देते हैं टीवी अंडरस्कोर पासवर्ड। इसी तरह से हम अभी और एडिट टेक्स्ट ऐड करेंगे, एडिट टेक्स्ट इसकी भी हम एक आईडी सेट कर देते हैं और ये ईटी अंडरस्कोर पासवर्ड। अब आपका ये जो टेक्स्ट व्यू है पासवर्ड के नाम से आपने इसकी पोजीशन सेट करनी है कि आप इसको कहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं। तो हम बेसिकली इसको इस एडिट टेक्स्ट यूज़र नेम के बिल्कुल नीचे सेट करेंगे। तो हम इसको भी इसी तरह से बता देते हैं कि बिलो। अब आपको ये सारी आईडीज आ रही हैं, इनमें से आपने सेलेक्ट कर लेना है ईटी यूज़र नेम, कि यूज़र नेम के नीचे आप इसको सेट कर दें। इसी तरह से जो ये जो इसका एडिट टेक्स्ट है पासवर्ड का, इसको हम कहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं, तो उस पर भी बिलो और आप बता देंगे कि ईटी पासवर्ड सॉरी टीवी पासवर्ड के नीचे इसको आप सेट कर दें। तो आप देखें कि आपका जो लेआउट है वो सिंपली इस तरह से जस्ट आपने यहाँ पे अलाइनमेंट सेट करते गए, जस्ट आपने यहाँ पे बताना शुरू कर दिया कि आप कौन सी पोजीशन पे इसको सेट करना चाह रहे हैं। पोजीशन के सेट करते करते आपने अपना पूरा डिज़ाइन कर लिया। अब इसी तरह हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं इसमें, बटन। बटन को भी हम रैप कंटेंट और रैप कंटेंट कर देते हैं। इसकी भी हम एक आईडी सेट कर देते हैं, आईडी एट द रेट न्यू। बटन के लिए btn यूज़ कर रहे हैं हम, बटन लॉगिन, और इसका टेक्स्ट भी सेट कर देते हैं। टेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉगिन। और अब इसका भी आपने बताना है कि ये कहाँ पे सेट, इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो हम ईटी पासवर्ड के नीचे इसको सेट करेंगे, तो इसको भी हम बिलो की एक बिलो पोजीशन यूज़ करके और ईटी पासवर्ड के बिल्कुल नीचे सेट कर देते हैं। तो ये देखें आपका एक सिंपल सा विदाउट एनी नेस्टेड लेआउट्स आपने एक रिलेटिव लेआउट के थ्रू अपने सारे एलिमेंट्स को बआसानी पोजिशनिंग दे दी। इस पोजिशनिंग का ये भी फ़ायदा है कि जो मर्जी डिवाइस अब आ जाए या लाइक टैबलेट या कोई और हाई डेंसिटी की, तो आपका ये जो पोजिशन आपने सेट की है ये अकॉर्डिंग टू दैट डिवाइस ऑटोमेटिकली सेट करता जाएगा और आपका जो डिज़ाइन है वो बेसिकली डिस्टर्ब नहीं होगा कभी भी। अब इसमें कुछ और भी आपको फीचर्स मिल जाती हैं, इसके एट्रीब्यूट्स लीनियर लेआउट से काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें पोजीशनिंग की बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारी की सारी एट्रीब्यूट्स आप
बारी बारी यूज़ करके चेक कर सकते हैं। डिफरेंट जगहों पे हम डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे। जिस तरह से अब ये लॉगिन बटन है, आप चाह रहे हैं इसको कि आप इस जगह पे सेंटर में ले आएँ, जो मर्ज़ी डिवाइस आए आपका, जो लॉगिन बटन है वो इस पूरे की पूरी जो पेरेंट आपका एक्टिविटी है इसके सेंटर में, मतलब के वर्टिकली सेंटर में हो। तो आप यहाँ पे इसकी एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, सेंटर वर्टिकल और सेंटर हॉरिजेंटल। तो हमने इसको सेंटर हॉरिजेंटल सेट करना है, तो सेंटर हॉरिजेंटल आप फील्ड लेंगे, इसको ट्रू कर देंगे, तो आप देखेंगे आपका जो लॉगिन बटन है वो आप हॉरिजेंटली जो है वो सेंटर हो चुका है। तो बहुत सिंपल है इसको यूज़ करना। आप जस्ट पोजीशनिंग की बेस पे अपना पूरा डिज़ाइन सेट कर सकते हैं किसी भी रिलेटिव लेआउट में। काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी पूरे पेरेंट की सेंटर में ये बटन हो, तो फिर आप यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट इसकी यूज़ कर सकते हैं, वो है सेंटर इन पेरेंट। सेंटर इन पेरेंट जब आप ट्रू करेंगे तो ये पूरे पेरेंट का सेंटर लेगा और उस जगह पे इसको सेट कर देगा। अभी क्योंकि ये वर्टिकली सेंटर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस पर एक कंस्ट्रेंट लगी हुई है, वो है लेआउट बिलो की, यानी कि ये अभी स्टिक हुआ हुआ है आपकी एडिट टेक्स्ट के नीचे ही। तो इसने सेंटर हॉरिजेंटल तो कर दिया लेकिन सेंटर वर्टिकल नहीं किया, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको स्टिक किया हुआ है बिलो पासवर्ड के नीचे। तो उसको अगर आप हटाएंगे तो ये आप देखेंगे आपका जो पूरा का पूरा लेआउट है इसका, जो सेंटर है उसके अंदर आप इसको ले आए। मार्जिन्स अगर आपने सेट करने हैं या आपने पैडिंग देनी है, तो सिंपली आप जिस तरह से हम शुरू में चाह रहे थे कि हम पूरे लेआउट की साइड्स पे और टॉप पे थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देते हैं, ताकि आपका जो डिज़ाइन जो साइड पे चिपक रहा है वो बिल्कुल साथ ना रहे और थोड़ा सा स्पेस आ जाए। तो उसमें हम 10 dp की के पैडिंग दे देंगे, तो आप देखेंगे आपका डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा लगना शुरू हो गया। इसी तरह जो पासवर्ड की फील्ड है उसमें और उससे ऊपर वाली फील्ड में थोड़ा सा गैप आ जाए, तो हम मार्जिन सेट करेंगे। मार्जिन टॉप पे हम थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे 10 dp का, तो आपका थोड़ा सा मार्जिन इसमें आ गया। इसी तरह लॉगिन बटन पे आप मार्जिन चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी इसी तरह से एक मार्जिन टॉप सेट करके 10 dp का यहाँ पे मार्जिन दे देंगे, तो आपका लेआउट थोड़ा सा अच्छा लगना शुरू हो जाता है इस तरह से। इसी तरह इसकी बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे सिंपली कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये आपको सारी की सारी एट्रीब्यूट्स नज़र आ रही होंगी। और ये बारी बारी आप सब एक्सप्लोर करें, सब पोजीशनिंग की ही बेसिकली एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सिंपल हैं। इनके नाम से आपको इसका आइडिया हो जाएगा, और जैसे जैसे आप डिज़ाइन करना शुरू करेंगे तो आप ये सारी की सारी चीज़ें भी यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें आपकी अवेलेबिलिटी है एट्रीब्यूट्स की। ड्रॉअर लेआउट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेआउट है, क्योंकि आप देखेंगे कि जितनी भी आप मोस्टली एंड्रॉयड एप्लीकेशंस देखेंगे जिसके अंदर आपके पास एक ड्रॉअर होगा, जो यहाँ पे 3 lines आती हैं, उसको क्लिक करने के ऊपर एक साइड से एक स्क्रीन सी आती है जो हाफ पे आके रुक जाती है, जिसके अंदर आपके पास मेन्यूज़ होते हैं, कुछ ऊपर आपके पास हेडर होता है इसी तरह से। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम कहते हैं ड्रॉअर लेआउट। ड्रॉअर लेआउट क्या होता है और इसको हम कैसे लेके चलेंगे, इसको बेसिकली हम नेविगेशन ड्रॉअर भी कहते हैं आजकल की ज़बान में। पहले इसको ड्रॉअर लेआउट कहते थे, अब नेविगेशन ड्रॉअर हो चुका है ये। अब इस ड्रॉअर के थ्रू आप काफ़ी स्क्रीन्स पे मूव कर सकते हैं, लाइक किसी भी बटन पे आप क्लिक करेंगे, गैलरी पे, इम्पोर्ट पे, स्लाइड शो पे या टूल्स पे, तो आपको कोई नई एक्टिविटी पे वो लेके जाएगा। तो आप इसके थ्रू आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ पे नेविगेट कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम हमने नेविगेशन ड्रॉअर रखा है। आप लेफ़्ट से इसको स्वाइप करेंगे, तो स्वाइप करने से लेफ़्ट से राइट पे आप इसको ड्रॉअर को निकाल सकते हैं, या फिर आप 3 dots वाला बटन होता है यहाँ पे, उसको क्लिक करने से भी इसको निकाल सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा आइटम्स शो किए जाते हैं, यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा इसमें आइटम्स डाल सकते हैं। इसमें स्क्रॉलिंग भी हो सकती है, स्क्रॉल करके भी आप नीचे जाएं तो आपको काफ़ी आइटम्स मिल सकते हैं यहाँ पे। और इन आइटम्स को क्लिक करने पे आप डिफरेंट स्क्रीन्स पे एप्लीकेशन में मूव कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास जो ड्रॉअर होता है वो। तो आइए देखते हैं हम कि ड्रॉअर की इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे।
अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर। तो चलें। अच्छा, तो अब हमने एक ड्रॉअर एक्टिविटी बनानी है बेसिकली। तो ड्रॉअर के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा उसके लिए देख लेते हैं हम। तो जैसे कि हमने इससे पहले मेन लेआउट्स बनाए थे, उसके अंदर हमने मेन पे रख दिया था अपना लीनियर लेआउट, फिर बाद में रिलेटिव लेआउट। बिल्कुल उसी तरह से अब हम जो है वो उसको रखेंगे ड्रॉअर लेआउट के लिए ना। तो स्पोर्ट वर्जन 4 के जितने भी आपके पास डिज़ाइंस होते हैं उसके लिए आपको एक लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी पड़ती है अपने पास। तो चलें, ड्रॉअर लेआउट को ऐड करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम वो लाइब्रेरी कहाँ पे ऐड करते हैं और लाइब्रेरीज एंड्रॉयड पे किस जगह पे ऐड होती हैं। तो देखते हैं, आपको प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट का जो आपके पास विंडो थी प्रोजेक्ट व्यू की, इसके अंदर जिस तरह से आपको बताया कि आपके पास मेन ऐप का फोल्डर, उसके अंदर आपके पास जावा की फाइल्स थी और कुछ रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर लेआउट्स की फाइल थी। इसी तरह से एक सेक्शन यहाँ बना हुआ है बेसिकली, वो है ग्रेडल स्क्रिप्ट्स का। आप इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर आपको मल्टीपल ग्रेडल की फाइल्स मिलेंगी। मेन फोल्डर का जो नाम होगा ऐप, उसी नाम से यहाँ पे एक ग्रेडल का मॉड्यूल ऐड हुआ होगा। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ग्रेडल की जो फाइल है ये आपके पास ओपन हो जाएगी। ग्रेडल की जो फाइल बेसिकली होती है वो एंड्रॉयड के अंदर आपके पास जितनी भी इसकी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो आपकी ग्रेडल फाइल के अंदर होती हैं। ठीक है, अब ग्रेडल फाइल के अंदर आप क्या कुछ करते हैं वो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसके बारे में भी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक SDK वर्जन सेट हुआ हुआ है। तो ये SDK वर्जन आपके पास होता है जिस तरह से आपका API लेवल कौन सा चल रहा है। तो API लेवल्स के मुताबिक थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, जिस तरह से आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि एंड्रॉयड के डिफरेंट OS होते हैं, जिस तरह कि आपको उनके नाम पता भी होंगे, आइसक्रीम सैंडविच है, मार्शमेलो है, लॉलीपॉप है। इसके अलावा डिफरेंट ये लोग OS वगैरह लॉन्च करते रहते हैं अपने, तो उन OS को इन्होंने एक वर्जन दिया होता है। तो वो वर्जन बेसिकली, ये वही वर्जन की बात हो रही है यहाँ पे। तो मिनिमम SDK यहाँ पे सेट हुआ हुआ 15, यानी कि ये किट कैट या इससे ऊपर की बात हो रही है। और 28 का मतलब है कि आपके पास जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो 7 है या 8 है, एंड्रॉयड 8। तो ये उसके लिए बात हो रही है। उसी तरह यहाँ पे वर्जन कोड और वर्जन नेम आता है। ये बेसिकली जब आप इस आपकी जो एप्लीकेशन है इसको जब हम अपलोड करेंगे अपने स्टोर के ऊपर, प्ले स्टोर के ऊपर, तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ये हम आपको बाद में बताएंगे जब हम अपनी एप्लीकेशन को अपलोड करेंगे एंड इन दी एंड प्ले स्टोर के ऊपर, तो ये उसके लिए है। इसी तरह से आपके पास बिल्ड टाइप्स आ जाती हैं। बिल्ड टाइप्स में ये रिलीज, डिबग और डिफरेंट आप बिल्ड टाइप्स बना सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास आती हैं वो डिपेंडेंसीज की फाइल है। ये बेसिकली वो सेक्शन है जो बेसिकली आपकी जो बैकएंड की लाइब्रेरीज हैं उनको इंपोर्ट करने के लिए है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ड्रॉअर लेआउट यूज़ कर रहे हैं, ड्रॉअर लेआउट जो है वो वर्जन 4 सपोर्ट है। तो इसके लिए आपको एक लाइब्रेरी यहाँ पे सपोर्ट की इंक्लूड करनी पड़ेगी। जैसा कि यहाँ पे ऐप कॉम्पैक्ट ऑलरेडी एडिड है, इसी तरह से आप यहाँ पे एक और लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसको इंपोर्ट करने का एक तरीका ये है कि आप यहाँ से सिंपली टाइप करें और उसका नाम अगर आपको पता है तो, अगर आप यहाँ से टाइप नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका मैं आपको उसका बता देता हूँ। आप जाएंगे फाइल के अंदर और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाएंगे, स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ पे आपका ऐप मॉड्यूल नीचे आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे ऐप पे। और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि आपने वहाँ पे काफ़ी देखे भी थे, जिसमें कंपाइल SDK वर्जन वहाँ पे 28 सेट हुआ हुआ था, एंड्रॉयड 9, और साइरिंग की कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ फ्लेवर्स की इंफॉर्मेशन है, बिल्ड टाइप्स की, और एंड में आप देखेंगे कि डिपेंडेंसी सेम एज इट इज़ वही चीज़ यहाँ पे भी ऐड हुई हुई है। तो यहाँ पे ऐड करने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे ये आपके पास इंटरनेट से देखेगा कि आपने जो लाइब्रेरी ऐड की है उसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा पड़ा हुआ है। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप ऐड करेंगे और हमने बेसिकली एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है, तो हम लाइब्रेरी डिपेंडेंसी भी क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जो है लाइब्रेरी डिपेंडेंसी की जो है ये विंडो ओपन हो चुकी है। इसके अंदर आप सर्च कर सकते हैं डिफरेंट डिपेंडेंसीज को। जो हमने डिपेंडेंसी ऐड करनी है बेसिकली वो डिज़ाइन है, स्पोर्ट डिज़ाइन। तो हम इस पे यहाँ पे सर्च कर लेंगे डिज़ाइन,
तो आप जैसे इस पे सर्च का बटन क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन से रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। तो हमें ये सबसे पहले वाली जो एंड्रॉयड सपोर्ट डिज़ाइन की लाइब्रेरी है इसको इंक्लूड करना है अपने प्रोजेक्ट में, तो हम इस पे क्लिक करके ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो डिज़ाइन की लाइब्रेरी है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। आप यहाँ पे सिंपली ओके प्रेस करेंगे, उसकी जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे बेसिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाती हैं। डाउनलोड होने के बाद वो चीज़ जो है आपकी डिपेंडेंसी में ऐड हो जाती है। तो ये आप देखेंगे आपका बिल्कुल लास्ट में एक डिज़ाइन सपोर्ट के नाम से एक लाइब्रेरी इंट हो चुकी है और यहाँ पर इसके जितने भी ग्रेडल के टास्क थे वो सक्सेसफुली बिल्ड हो गए और आपकी जो डिज़ाइन की लाइब्रेरी है वो ऐड हो गई है। तो इस तरह से आप कोई भी लाइब्रेरी अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके पास जितनी भी ग्रेडल की डिपेंडेंसीज थी वो यहाँ पे सिंक हो गई हैं सक्सेसफुली। ये ग्रेडल सिंक का ऑप्शन है, यहाँ पे बिल्डिंग का ये टैब जो है इसके अंदर जितनी भी ग्रेडल सिंक होती है वो यहाँ पर नज़र आती है। तो जो हमने ये लाइब्रेरी ऐड की है वो सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड होगी और ग्रेडल जो है हमारा वो सब सिंक हो चुका है। तो ये हमने सक्सेसफुली डिज़ाइन की लाइब्रेरी ड्रॉअर के लिए ऐड कर लिया। अब हम चलते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ। तो हमने जो मेन अपना लेआउट था वो ऐड कर लिया ड्रॉअर। अब ड्रॉअर के अंदर हमें क्या कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो हम देख लेते हैं बारी बारी। अब जैसा कि आपने देखा था कि यहाँ पे जो बेसिकली ड्रॉअर होता है वो मैं आपको एमुलेटर से दिखा देता हूँ कैसा लगेगा। तो हम सिंपली देखेंगे कि ड्रॉअर किस तरह से होता है। एक नॉर्मल एप्लीकेशन कोई भी ओपन कर लेते हैं, डाउनलोड्स की एप्लीकेशन एंड्रॉयड में आपने देखी होगी। तो देखें कि बिल्कुल सिंपली इस तरह से ये एक मेन स्क्रीन है इसकी और इसके साइड पे थ्री लाइंस को अगर आप टैप करेंगे तो ये साइड से ड्रॉअर ओपन हो जाएगा। इस ड्रॉअर का एक हेडर है, उसके नीचे ये कुछ आइटम्स हैं, इन आइटम्स पर क्लिक करते जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट स्क्रीन्स यहाँ पर ओपन होना शुरू हो जाती हैं। वीडियोस पे जाएंगे तो वीडियोस ओपन होंगी, ऑडियो पे जाएंगे ऑडियो ओपन होगी। तो इसको आप स्वाइप करके भी लेके आ सकते हैं, यहाँ से लेफ़्ट से आप स्वाइप राइट करेंगे तो आपके पास ड्रॉअर ओपन हो जाता है। तो हम देखते हैं कि हम ये हेडर और इस तरह से ही ये कुछ आइटम्स किस तरह से बना सकते हैं अपने ड्रॉअर के अंदर। तो चले चलते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ। अब ड्रॉअर के अंदर जो आपको मेन चीज़ चाहिए थी वो एक तो आपने देखा था कि ये मेन स्क्रीन थी यहाँ पे और साइड से ड्रॉअर आ रहा था। जो ड्रॉअर की चीज़ें हैं वो हमें ऐड करने के लिए यहाँ पे एक नया व्यू ऐड करना पड़ेगा जो कि जिसका नाम है नेविगेशन व्यू। तो हम एंगल ब्रैकेट ऑन करेंगे और नेविगेशन को लिखेंगे। तो ये देखें आपके पास नेविगेशन व्यू का एक लेआउट आ गया। इसको ऐसे ही हम इसकी विड्थ जो है वो रैप कंटेंट कर देंगे क्योंकि हमने पूरी स्क्रीन पे इसको नहीं लाना, हाफ स्क्रीन में या जितनी स्क्रीन पे इसका टेक्स्ट आता है उतना लाना है। तो रैप कंटेंट हाइट इसकी हम कर देंगे मैच पैरेंट क्योंकि ड्रॉअर पूरा का पूरा जो होता है वो आपकी हाइट लेता है, तो इसको हम मैच पैरेंट कर देंगे। और अब इसमें दो चीज़ें जो होती हैं वो मेन इसकी चीज़ें हैं वो हम ऐड करते हैं बारी बारी। एक इसका होता है मेन्यू, इसमें आपको मेन्यू की फाइल देनी पड़ेगी। और एक इसका होता है हेडर लेआउट, इसमें आपको हेडर लेआउट की फ़ाइल देनी पड़ेगी। अब ये दोनों जो फाइल्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली आपको जैसे मैंने एमुलेटर में दिखाया था कि ये ड्रॉअर का जो हेडर था वो यहाँ पे हेडर लेआउट के अंदर आएगा। जो लेआउट आप इसको देंगे हेडर लेआउट के अंदर वो यहाँ पे इसका हेडर सेट हो जाएगा, वो बेशक इतना हाइट हो उसकी या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और जब आप मेन्यू इसको देंगे तो मेन्यू बेसिकली जो होगा वो यहाँ पे जितने भी आइटम्स हैं ये सब मेन्यू है, इसका एक आइकन है, इसका एक टेक्स्ट है और इसकी कोई ना कोई आईडी होगी। जब इसको मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे इसकी आईडी के अगेंस्ट क्लिक लिसनर मेरा इसको डिटेक्ट कर लेगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने देखना है कि हम मेन्यू और हेडर लेआउट किस तरह से ऐड करते हैं। चलें इसकी तरफ चलते हैं। तो डिज़ाइन के लिए हमें जाना पड़ेगा प्रोजेक्ट के अंदर, लेआउट के अंदर। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि लेआउट के अंदर एक लेआउट ऐड करेंगे क्योंकि हमें एक हेडर लेआउट भी चाहिए ना। तो हेडर लेआउट लेने के लिए आपको यहाँ से राइट क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है और लेआउट रिसोर्स फाइल ऐड करनी है। इसका नाम आप रख दें नेव अंडरस्कोर हेडर और इसका रूट एलिमेंट पे हम रख देते हैं एक लीनियर लेआउट
तो ये इसके रूट एलिमेंट पे लीनियर लेआउट आ जाएगा। इसका नाम जो होगा वो नैव अंडरस्कोर हेडर हो जाएगा। इसको ओके प्रेस कर देते हैं। तो अब आपके सामने एक सिंपल सी खाली फाइल नेविगेशन हेडर की ऐड हो चुकी है। इसको अगर आपने ऐड करना है तो यहाँ पे आप कैसे ऐड करेंगे, अगर आपने कोई भी लेआउट ऐड करना हो तो उसके लिए आप सिंपली लिखते हैं यहाँ पे एट द रेट लेआउट। अब लेआउट के साथ ये बता रहा है आपके पास कि आप कौन सा लेआउट हेडर के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं। तो हमने जो लेआउट बनाया है बेसिकली नैव अंडरस्कोर हेडर, तो हम उसको यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे उसको डाल देंगे। अब आप देखेंगे कि आप जो भी हेडर में चेंज करते रहेंगे वो यहाँ पे इसके हेडर के साथ चेंज होता रहेगा। तो चलिए हम थोड़ा सा एक हेडर डिज़ाइन कर लेते हैं छोटा सा। अब इस हेडर में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको चाहिए चीज़। आप इसको एक टेक्स्ट व्यू दे सकते हैं जिसका नाम हम हेडर रख लेते हैं। तो टेक्स्ट व्यू लिखने के लिए आपको एंगल ब्रैकेट टेक्स्ट व्यू, और इसकी आपको हाइट और विड्थ सेट करनी पड़ेगी। विड्थ आप मैच कर दें पेरेंट के साथ, और हाइट हम इसकी सेट कर देते हैं लाइक 200 dp। तो ये एक टेक्स्ट व्यू बन जाएगा, और इसके साथ हम इसमें लिख देते हैं इसका टेक्स्ट। हेडर हेयर और उसकी ग्रेविटी जो हमने सेंटर कर दिया। तो ये बेसिकली एक टेक्स्ट व्यू है, काफ़ी बड़ी हाइट का हमने एक सैम्पल के तौर पे वो बना लिया है। इसका बैकग्राउंड आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड सेट करना चाह रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड में आप डाल दें एट द रेट कलर, वो यहाँ पे आपको कलर ऐड कर सकते हैं। तो हमने इसका एक प्राइमरी कलर सेट कर दिया, और टेक्स्ट का कलर हम वाइट कर देते हैं। टेक्स्ट कलर वाइट करने के लिए टेक्स्ट कलर की एट्रीब्यूट मौजूद है एट द रेट एंड्रॉयड के। ये एट द रेट एंड्रॉयड और एट द रेट कलर का मैं आपको डिफरेंस थोड़ा बता देता हूँ कि जब एट द रेट एंड्रॉयड करके आप कलर करते हैं तो उसका मतलब है कि ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो के डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं या एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो कलर्स मौजूद हैं आप वो यूज़ करना चाह रहे हैं। यानी कि अब जिस तरह से इसको मैं वाइट सेट करना जा रहा हूँ, तो मैं इसको कलर वाइट सेलेक्ट करूँगा। अब ये वाइट जो कलर है ये मेरी कलर्स की जो XML है, यानी कि जो वैल्यूज़ के अंदर यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर कहीं पे भी आपको वाइट कलर नहीं मिलेगा। तो ये वाइट कलर वो कहाँ से लाया, एट द रेट एंड्रॉयड में से। यानी कि आपकी जो डिफ़ॉल्ट कलर्स मौजूद हैं इसके अंदर, वो वहाँ से ये वाइट कलर लेके आया, और उस तरह से आपने ये जो कलर सेट किया ये आपका बेसिकली आपकी जो कलर्स की XML की फ़ाइल है वहाँ से इसने ये कलर चूज़ किया। तो ये आपने एक सिंपल सा हेडर सेट कर लिया। अब हम चलते हैं इसके मेन्यू की तरफ। तो मेन्यू कैसे ऐड करते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो मेन्यू ऐड करने के लिए आपको रिसोर्सेज पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके न्यू में आप जाएंगे, न्यू से एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल, और यहाँ पे जो रिसोर्स टाइप है इसको आपने सेट करना है मेन्यू के ऊपर। तो ये आपकी मेन्यू की रिसोर्स टाइप में जाएगा। इसका हम नाम रख देते हैं नेव मेन्यू, नेव अंडरस्कोर मेन्यू, और इसको हम ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये आपकी एक सिंपल खाली सी मेन्यू की फ़ाइल ऐड हो चुकी है। इसके अंदर मेन्यू आइटम्स ऐड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे ही एंगल ब्रैकेट करके आइटम आइटम के साथ आपने इसकी एक आईडी रखनी है। तो आईडी आप कुछ भी रख सकते हैं, लाइक आप अगर एक बनाना चाह रहे हैं माय अकाउंट का एक मेन्यू, तो माय अकाउंट के लिए आपको एट द रेट आईडी अब आईडी का नाम आप कैसे रखेंगे अकाउंट, और इसका टेक्स्ट रखने के लिए आपको टाइटल में जाके, अब ये टाइटल में आप इसका टेक्स्ट देंगे माय अकाउंट, और एक आप इसका आइकन दे देंगे अगर आप आइकन देना चाह रहे हैं। तो आइकन पे जाके आप एंड्रॉयड से कोई भी आइकन चूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से जिस तरह से हमने वो आइकन चूज़ किया कलर चूज़ किया था उसी तरह से आप ड्रॉएबल्स, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप डिफरेंट ड्रॉएबल्स इनके यूज़ कर सकते हैं जो एंड्रॉयड के डिफ़ॉल्ट मौजूद हैं। इसमें बेतहाशा आपको मिल जाएंगे, आप
कोई भी आइकन चूज़ कर सकते हैं। तो हम ये आईसी डायलॉग डायलर का आइकन यूज़ कर लेते हैं। ये बेसिकली मेरे पास ये अभी ड्रॉएबल में एडिट नहीं है, ये एंड्रॉयड की जो डिफ़ॉल्ट ड्रॉएबल्स हैं ये, वो उन ड्रॉएबल्स में से हमने एक ड्रॉएबल चूज़ कर लिया। अब हम इनको क्लोज़ कर देंगे यहाँ से। इसी तरह अगर आप मल्टीपल आइटम्स ऐड करना चाह रहे हैं और कोई चीज़ आप डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल और डी प्रेस करेंगे किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके, तो ये इसकी डुप्लीकेट बनाना शुरू कर देगा। तो हम इसकी मल्टीपल डुप्लीकेट्स बना लेते हैं। कंट्रोल ऑल्ट एल प्रेस करेंगे तो ये इसकी फॉर्मेटिंग कर देगा। अब ये एरर जो दे रहा है बेसिकली कि आप एक नाम से मल्टीपल आईडीज़ नहीं रख सकते, तो आपको नाम चेंज करने पड़ेंगे। तो हम चलें इसके नाम भी चेंज कर लेते हैं इसका, जिस तरह से हम सेटिंग रख लेते हैं एक नाम। ये सेटिंग हो गया, इसका टाइटल भी हम चेंज कर लेते हैं। सेटिंग इसका टाइटल रख लिया हमने। इसके अलावा हम कोई और भी चीज़ सेट कर सकते हैं, जिस तरह से होम सेट कर लेते हैं। तो अब आपने देखा कि आपने तीन मेन्यू आइटम्स यहाँ पे ऐड कर ली हैं। ये वाले जो मेन्यू आइटम्स हैं ये बेसिकली आप ऑप्शन मेन्यू के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यही मेन्यू हम जो हैं ड्रॉअर में भी यूज़ करेंगे। तो अब ड्रॉअर में जो मेन्यू का ऑप्शन खाली था उसके अंदर हम मेन्यू ऐड करेंगे। मेन्यू ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से आपने ऐट द रेट लेआउट करके लेआउट ऐड किया था, इसी तरह से ऐट द रेट मेन्यू करके आप मेन्यू ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमारे पास एक ही मेन्यू है तो वो ऑप्शन में नैव मेन्यू दे रहा है, तो हम इसको ऐड करेंगे। अब आप देखें कि आपका जो लेआउट है साइट पे वो भी पूरा का पूरा ऐड हो चुका है, जिसमें ये तीन मेन्यूज़ आ रहे हैं और ये हेडर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में हमने डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट कर लिया है इसका। अब हम चलते हैं कुछ इसकी जावा की कोडिंग की तरफ, के इसमें हम जावा के अंदर क्या कुछ करेंगे ताकि हम इसके कुछ एक्शन लिसनर्स गेट कर लें। एक्शन लिसनर से मुराद जो इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक का इवेंट कोई हिट होगा तो वो इवेंट हम यहाँ पर कैच करेंगे। तो उसको करने के लिए हम अपनी जावा की तरफ मूव करते हैं। तो जो ये फाइल है एक्टिविटी मेन, ये यूज़ हो रही है मेन एक्टिविटी के अंदर, तो हम मेन एक्टिविटी की जावा के अंदर आ गए। अब ये बिल्कुल सिंपल वैसे ही जिस तरह से एक जावा की लैंग्वेज है उसके अंदर एक क्लास होती है, वो एक्सटेंड किया उसने एक्टिविटी को, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। एक्टिविटी की क्लास को एक्सटेंड कर रही है क्योंकि ये एक्टिविटी है। और यहाँ पर आपकी इम्पोर्ट्स नज़र आ रही हैं, जो अभी तक आपने यहाँ पर इम्पोर्ट्स किए हैं उसमें बंडल है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी जो आपने यहाँ पे यूज़ किया है, ये बंडल यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इस वजह से बंडल हुआ। और ये पैकेज का बेसिकली आपका पाथ आ रहा है ऊपर कि ये पैकेज है पूरा जिसमें आपकी ये एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है, मेन एक्टिविटीज़ का नाम है। और ये ऑन क्रिएट का मेथड है बेसिकली, ये बाई डिफ़ॉल्ट ये मेथड ऐड कर देता है। बाकी मेथड्स अगर आपको चाहिए होंगे तो आप ख़ुद से उसको ऐड करेंगे, वो हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से ऐड करेंगे। और अब हमने बेसिकली इनिशियलाइज़ करना है अपनी जो ड्रॉअर की, हमारा ड्रॉअर था उसको इनिशियलाइज़ करना है, ड्रॉअर लेआउट को। इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एल, ये फॉर्मेटिंग होगी इसकी। इस ड्रॉअर का हमने कोई आईडी रखना है, तो आईडी रखने के लिए यहाँ पे हम आईडी पे जाएंगे, ऐट द रेट न्यू आईडी प्लस आईडी, और इसका आईडी हम रख लेते हैं मेन ड्रॉअर। और उसी तरह ये जो नेविगेशन व्यू है इसको भी इनिशियलाइज़ हमने करना है, तो इसका भी हम कोई ना कोई आईडी सेट कर लेते हैं। इसका आईडी हम रख लेते हैं ऐट द रेट न्यू आईडी नेविगेशन अंडरस्कोर व्यू, ये नेविगेशन व्यू हमने इसकी आईडी सेट कर दी। अब हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी की तरफ। अब दो हम वेरिएबल्स यहाँ पर इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं। वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवाने का सिंपल तरीका है,
हम यहाँ पे इसको प्राइवेट करते हैं क्योंकि ये जो वेरिएबल्स हैं ये सिर्फ इस क्लास तक महदूद रहेंगे, इससे आगे हमने कहीं यूज़ नहीं करने, तो उसको प्राइवेट कर लेना अच्छा होता है। ड्रॉअर था आपका पहला, तो ड्रॉअर लेआउट होगा इसका, आप कोई भी रख सकते हैं नाम, जिस तरह से वहाँ पे हमने इसका नाम रखा हुआ है मेन ड्रॉअर, तो यहाँ पे हम इसका नाम दे सकते हैं DL मेन, ये ड्रॉअर लेआउट मेन है। अब दूसरा जो हम वेरिएबल सेट करेंगे वो होगा हमारे पास प्राइवेट नेविगेशन व्यू, इसका हम नाम रखेंगे NV, और आगे से जो उसका नाम चल रहा है वो वाला नाम ऐड कर देंगे नेव, NV नेव व्यू। अब इन दोनों जो हमने वेरिएबल्स लिए हैं इनको हम नीचे फर्दर यूज़ करेंगे, वो कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। हमने इसकी जो इनिशियलाइजेशन है वो करनी है, वो यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। तो सेट कंटेंट व्यू के बाद आप इनिशियलाइजेशन करेंगे, क्योंकि पहले आपका जो कंटेंट व्यू है वो सेट हो जाना चाहिए, यानी कि आपकी XML लोड हो जानी चाहिए, उसके बाद हम उसकी XML के जो आइटम्स हैं उनको एक्सेस करेंगे नीचे। तो जो हमने ऊपर नाम रखा था DL मेन इज इक्वल टू, अब किसी भी जो हमारे पास XML में एलिमेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे एक्सेस करने के लिए आपको करना पड़ता है फाइंड व्यू बाय ID। ये क्या करता है बेसिकली कि जो आप ID इसके अंदर देंगे ये वो वाला व्यू आपको लाके यहाँ पे इनिशियलाइज करेगा। तो फाइंड व्यू बाय ID बेसिकली इसका एक मेथड है जो आपका आपको यहाँ से जितने भी आपके पास लेआउट्स हैं ना इनके जो व्यूज़ हैं वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं हम उसको देख लेते हैं। आर डॉट ID डॉट उसका जो नाम है वहाँ पे, अब जो DL मेन का हमने वहाँ पे जो XML में नाम रखा है वो है मेन ड्रॉअर, तो मेन ड्रॉअर आपको यहाँ पे एक्सेस करना है। तो यहाँ पे आर डॉट ID डॉट मेन ड्रॉअर आपके पास ये एक्सेस हो गया। तो अब ये जो मेन ड्रॉअर वहाँ पे था XML में लेआउट, वो लेआउट आपने सक्सेसफुली इसको मैप कर दिया है DL मेन जो आपका ड्रॉअर लेआउट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है इससे। इसी तरह आप दूसरे वाले भी इस पर एक्सेस कर लेते हैं, वो कैसे करेंगे हम नेविगेशन व्यू को NV नेव व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID। आर डॉट ID डॉट नेव व्यू, तो हमने सक्सेसफुली जो है ये दोनों के दोनों यहाँ पे अपने पास एक्सेस कर लिए हैं। अब अगर हमने जो आपके पास जो मेन्यू आइटम्स थे इनके क्लिक लिसनर्स अगर हमने गेट करने हैं तो हमें यहाँ पे इसका लिसनर उठाना पड़ेगा। वो लिसनर हम कैसे उठा सकते हैं वो हम देख लेते हैं। जो बेसिकली नेविगेशन व्यू का पार्ट है तो हम लिखेंगे NV नेविगेशन व्यू डॉट सेट नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। अब इसके अंदर हम लिख लेंगे न्यू नेविगेशन व्यू ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, ये वाला मेथड हम एक्सेस करेंगे। जैसे आप इसको टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो इसके ओवरराइडेड मेथड्स हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। अब इसके अंदर जो चीज़ आ रही है वो मेन्यू आइटम आ रहा है और यहाँ पे रिटर्न फॉल्स वो कर रहा है क्योंकि हम इसको अभी तक यूज़ नहीं कर रहे, तो अभी हम यूज़ करेंगे इसको, देखते हैं किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है यहाँ पे एक अपने ID गेट करनी है कि मेन्यू में से किस मेन्यू को उसने टाइप किया। तो ID जो बेसिकली होती है वो इंटीजर टाइप की होती है, तो इंटीजर ID को आप गेट करेंगे। जो ऊपर से आपके पास मेन्यू आइटम्स का ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें से डॉट गेट ID आइटम ID, तो ये आपने जो ID है वो गेट कर ली। अब एक स्विच स्टेटमेंट जो है वो इसको हम डिफरेंशिएट करेगी कि कौन सा आइटम जो है वो क्लिक हुआ है, अ
अकाउंट का, सेटिंग का, या इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शन थे उनमें से कौन सा ऑप्शन उसने सेलेक्ट किया है। तो स्विच स्टेटमेंट हम एक ऐड कर लेंगे। स्विच ऐड करने का सिंपल तरीका, अब इसको आईडी हम पास ऑन कर देंगे, ये आपने आईडी दे दी इसको। अब यहाँ पे इन आईडीज़ के अगेंस्ट केसेस आपको बनाने पड़ेंगे, आर डॉट आईडी डॉट, अब उसमें से कौन सा वाला लाइक मेन्यू क्लिक हुआ है, तो ये सारे के सारे जो अभी आईडीज एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं, लेकिन हमें अपनी आईडी का याद होना चाहिए। वो आईडी हम वहाँ से देख लेते हैं। ये बेसिकली अकाउंट है, सेटिंग है और होम है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आर डॉट आई डी डॉट अकाउंट, इसी तरह हम हमारे पास दो और हैं, वो दो कौन कौन सी हैं, एक सेटिंग की है और एक होम की है। और स्विच केस में हमारे पास, स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट भी होती है, तो हम डिफ़ॉल्ट भी एक सेट कर देते हैं और उसके केस में हम रिटर्न कर देते हैं ट्रू। डिफ़ॉल्ट के केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, बाकी केसेस में हमने अगर कुछ प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाने के लिए ये इसका एक टोस्ट होता है बेसिकली, जो नीचे आप कभी कभी देखते हैं कि जब भी आप किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं नीचे कुछ छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, थोड़ी देर के लिए वो रहता है, तो वो हम टोस्ट प्रिंट करवा सकते हैं। ये टोस्ट प्रिंट करवाने के लिए आपको टोस्ट की क्लास में जाना पड़ेगा, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। अब मेक टेक्स्ट में आपको तो इसका कॉन्टेक्स्ट देना पड़ रहा है। कॉन्टेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए। तो कॉन्टेक्स्ट से मुराद यहाँ पे ये होगी कि आपकी जो ये मेन एक्टिविटी है जिसमें अभी हम काम कर रहे हैं, इस मेन एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये जो टोस्ट है ये स्टिक हो जाएगा इस एक्टिविटी के साथ, यानी कि ये किसी और एक्टिविटी से टोस्ट प्रिंट नहीं होगा। तो अगर आपने इस एक्टिविटी का इसको कॉन्टेक्स्ट देना है तो उसका सिंपल तरीका है कि आप इस एक्टिविटी का नाम लिखेंगे, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, मीन्स के इसका ही कॉन्टेक्स्ट आप इसको दे दें। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी हमसे वो डिमांड कर रहा है, ये ऊपर लिखी भी आ रही हैं। चार सीक्वेंस का मतलब है कि यहाँ पे अब हम इसको टेक्स्ट देंगे कि आपने क्या प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि माय अकाउंट, तो ये हमने इसको टेक्स्ट दे दिया माय अकाउंट का। और इन दी एंड ये पूछ रहा है हमसे कि आप इसकी ड्यूरेशन कितनी चाहते हैं, तो ड्यूरेशन जो है वो हम इसको दे देते हैं टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट और लेंथ लॉन्ग। अगर आप लेंथ लॉन्ग देंगे तो वो ज़्यादा देर के लिए वहाँ पे प्रिंटेड रहेगा, और अगर लेंथ शॉर्ट देंगे तो वो थोड़ी देर के लिए प्रिंटेड रहेगा। तो हम लॉन्ग करके कर देते हैं इसको, और इसी तरह से इसको अगर शो करना है तो एंड में हमें डॉट शो करना पड़ेगा। ये बेसिकली इसका मेथड है, और इससे क्या होगा कि टोस्ट आपका यहाँ से क्रिएट हुआ और क्रिएट होते हुए यहाँ से उसको हमने शो करवा दिया। यही हम जो टोस्ट है इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं। इसका हम नाम रख देते हैं यहाँ पे, इसको टेक्स्ट चेंज कर देते हैं सेटिंग्स, और नीचे होम पे भी इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो ये आपने सक्सेसफुली जो है एक लिसनर ऐड किया, और लिसनर के बाद आपने जितने भी मेन्यू आइटम्स क्लिक हो रहे थे उनकी क्लिकिंग के ऊपर आपने डिफरेंट टोस्ट जो है वो प्रिंट करवा दिए। तो आपका जो नेविगेशन ड्रॉअर है उसके लिसनर्स आपने यहाँ से गेट कर लिए। अब हम रन करके देख लेते हैं हम अपनी एप्लीकेशन को कि हमारी एप्लीकेशन का रिज़ल्ट किस तरह से आता है। तो चलिए रन करने के लिए प्ले के बटन पर क्लिक करते हैं। ये ग्रेडल बिल्ड होने के बाद आपकी एप्लीकेशन एमुलेटर पर सक्सेसफुली रन हो जाएगी। अभी आपकी एप्लीकेशन का रिज़ल्ट आ चुका है, अब आप देखते हैं इसको कि ये कैसे लगेगी। आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ स्वाइप करना है तो आपका ड्रॉअर जो है वो ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि आप
आप देख रहे हैं जैसे आपने हेडर ऐड किया था, वो हेडर यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद जितने भी मेन्यू आइटम्स थे वो यहाँ पे मेन्यू आइटम्स डिस्प्ले हो रहे हैं। आप किसी भी मेन्यू आइटम पे क्लिक करके देख लेते हैं कि उसका जो टोस्ट है वो प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो माई अकाउंट पे क्लिक कर लेते हैं, माई अकाउंट का देखें कि आपका टोस्ट प्रिंट हो रहा है, और थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाएगा। इसी तरह सेटिंग का भी देख लेते हैं और होम का भी देख लेते हैं। तो सेटिंग और होम सारे जो आपके क्लिक लिस्ट हैं ना, वो सक्सेसफुली ऐड हो गए। तो ये एक सिंपल तरीका था आपका ड्रॉअर ऐड करने का। तो इस तरह से आप एक ड्रॉअर एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, आप साथ साथ देख के इसकी इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर है उसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।